मॉर्निंग क्लास, क्लास 12 बेटा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज। जैसा कि अर्लियर क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में फर्स्ट पॉइंट था आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें क्या करते हैं अनफिट ऑब्लिक अनट्रेंड एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी। सेकेंड था आपका सिलेक्शन। अगेन नेक्स्ट पॉइंट था आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। क्लियर है? रेफरेंस चेक मीन्स जहां प्रीवियसली वर्क करके है वो एम्प्लॉई उसका रेफरेंस चेक करते हैं। क्रॉस चेक बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बाय ईमेल। तो ये सारे टॉपिक्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके। टुडे टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ टी एंड डी। इसके टू पार्ट्स कर लेते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज ऑल्सो इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। आफ्टर दैट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। टू इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी टू परफॉर्म द लर्निंग। बाय द अप्रोच ऑफ लर्निंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज इंक्रीज एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट ऑफ कंपनी। क्लियर है यहां तक सभी को? अगेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी टू परफॉर्म द लर्निंग। क्लियर है? द इंपैक्ट ऑफ टी एंड डी इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड स्किल्स। स्किल्स लाइक एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। फाइनेंस सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंस सॉफ्टवेयर इट इंक्लूड ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, टैली। ऑल दी सॉफ्टवेयर कवर द स्किल्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एटीट्यूड। इम्प्रूवमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या हो गया? एम्प्लॉय या वर्कर के जो एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टोटली चेंज हो गया रिगार्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहां तक सभी को? तो हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी टू परफॉर्म द लर्निंग। मीन्स लर्निंग अप्रोच के जरिए उसकी जो परफॉर्मेंस क्वालिटी हो गया और इंप्रूव हो रही है। T&D इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड स्किल्स। क्लियर है तक? नॉलेज एंड स्किल्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल कैसे होगा? बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? इसमें बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट आता है सिस्टमेटिक लर्निंग। मीन्स स्टेप बाई स्टेप आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द हायर अथॉरिटी। क्लियर है? ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस द लर्निंग टाइम।
मान लीजिए आपको टास्क दे दिया है, प्रोजेक्ट दे दिया है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो स्किल्स आपको बाय द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, आपको रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो उससे क्या होगा आपका लर्निंग टाइम क्या होगा बेटा आपका रिड्यूस होगा। जब लर्निंग टाइम रिड्यूस होगा इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट आपको। सेकंड आपका ग्रेटर प्रोडक्टिविटी रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन। ट्रेनिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड इंक्रीज द आउटपुट। समझिए इसको, ए बी सी थ्री वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर है? आफ्टर दैट एबीसी आर ट्रेंड एम्प्लॉय। क्लियर है? एंड ऑल दिस प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड पीरियड बाय द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग इट ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट। तो हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ, ट्रेनिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड, हाई मॉरल। मीन्स क्या हो रहा है, जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है परफेक्टली तो इससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने के बिहाव पर आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आएगा। जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स में आएगा मैनी टाइम, तो आप क्या होगे, अपने जो एक्टिविटी उसके लिए क्या होगे, आप रेस्पॉन्सिबल होगे। क्या होगे बेटा, रेस्पॉन्सिबल होगे। द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीज इफ दे आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। उसमें कॉन्फिडेंस जाता है वर्कर में जब वो ट्रेंड हो जाता है। आफ्टर द ट्रेनिंग उसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती सबऑर्डिनेट से, अपने कलीग से। क्लियर है? वो सेपरेटली क्या करता है, अपना वर्क फिनिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग एरिया क्या है जहां पे वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट के, तो उस एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिफरेंट रिगार्डिंग टू दी स्किल्स एंड नॉलेज। क्लियर है आपको? डिफरेंट टाइप से वर्कर होंगे ऑर्गेनाइजेशन में रिगार्डिंग स्किल्स एंड नॉलेज। तो क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है और आफ्टर दैट सम एडवांस फीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, CSR प्रिंसिपल ट्रेनिंग्स। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स में क्या हो गया, आपके सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंपाउंडिंग, ERP, SAP, CRM, HRM, तो ये सारे क्या हो गया आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गया, प्लस CSR principles means corporate social responsibility means workplace पे एक person how to behave in positive manner by the way of CSR principle। clear है? हमने 4 point discuss किए हैं। point number 1 is systematic learning, training program help to reduce learning time। क्लियर है? जब किसी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं वो उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्या बन जाता है, एक्सपर्ट पर्सन बन जाता है। जब उसको उसी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है तो क्या करता है, उसका लर्निंग पीरियड क्या होता है, फिनिश हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे, क्यों, क्योंकि उसको उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर नॉलेज है,
सेकंड पॉइंट है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्रीज द वर्कर एफिशिएंसी एंड ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट ऑफ कंपनी। क्लियर है सभी को यहां तक? नेक्स्ट आता है आपका हायर मोरल। मीन्स जब से ही पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है पर्सन का। जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है क्या जाता है, उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। द मोरल ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीज इफ दे आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। क्लियर है पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर्थ, इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आगे इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड सीएसआर प्रिंसिपल। क्लियर आप सभी को यहां तक? नोट करिए। देखिए बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन मैंने डिस्कस किए पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट है आपका सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, इट इंक्लूड ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस द लर्निंग टाइम। एक ट्रेंड वर्कर क्या हो जाता है, लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग। सेकेंड है आपका ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट। ट्रेनिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ट्रेनिंग के लिए क्या होता है, वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और इससे आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मींस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट। हायर मोरल, द मोरल ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीज इफ दे आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। इफ दे आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू वर्कर ऑब्लिक एम्प्लॉय। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। इफेक्टिव रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, हमारा सराउंडिंग एरिया क्या है, एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, लिविंग वर्किंग एक्सेट्रा। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड सीएसआर प्रिंसिपल्स। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आता है मेन बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉइज। अभी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस से चेकआउट किया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल कैसे है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है आपका बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग बेनिफिट कैसे है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय बाय ट्रेनिंग अप्रोच, बाय ट्रेनिंग अप्रोच। क्लियर है? अगर किसी पर्सन को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, इफ वी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स आफ्टर दैट द वर्कर स्किल्स एंड नॉलेज
इज ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है? क्या डिस्कस किया हमने? हायर द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय बाय ट्रेनिंग अप्रोच। नेक्स्ट आता है आपका हायर वेजेस। हायर वेजेस, ट्रेंड वर्कर क्या हुआ? हायर पैकेज का डिमांड करेगा। ट्रेंड वर्कर डिमांड हायर पैकेजेस ओब्लिक सैलरी या वेजेस। टेक्निकल है तो सैलरी और अनस्किल्ड है तो वेजेस। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर थर्ड इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। मींस आपको क्या किया जाता है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं रिगार्डिंग कंपनी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू वर्कर। क्लियर? रिड्यूस द एक्सीडेंट, रिड्यूस द एक्सीडेंट इन वर्किंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, दे ऑल्सो नोन द यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। जब उनको सेफ्टी डिवाइसेस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है तो क्या होता है, एक्सीडेंट्स क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मशीनरी पे जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं इमीडिएट। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो उससे क्या हो रहा है, उनका हार्मफुल हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उनका सेफ्टी मेजर्स की नॉलेज नहीं होने से एक्सीडेंटल हो जाता है। तो इन केस क्या हुआ, दे ऑल्सो नोन द यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन। फोर्थ पॉइंट है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, देखिए जब किसी एम्प्लॉय को स्किल्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या कोई एडिशनल कोर्स करके आता है, तो वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है उस पर्सन का। तो कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो इजीली अपने टास्क को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड क्या कर लेता है बेटा, वो कंप्लीट कर लेता है। जब कंप्लीट कर लेता है तो उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो हाई होता है रिगार्डिंग जो। तो हमने पॉइंट नंबर फोर डिस्कस किया आपके साथ, जॉब सेटिस्फेक्शन। इट इंक्रीज बाय द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बाय द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, उस पर्सन का डेवलपमेंट होता है जिससे क्या होता है, उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता है, और वो क्या करता है, अपने वर्क के रिगार्डिंग अटैचमेंट होकर उस टास्क को फिनिश करता है। तो हमने फोर बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, टू द एम्प्लॉयज। क्लियर है यहां तक सभी को? इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय बाय ट्रेनिंग अप्रोच। क्लियर है यहां तक सभी को? बाय द ट्रेनिंग क्या हो, उस पर्सन की स्किल्स एंड नॉलेज इज इंक्रीज, राइट। सेकेंड पॉइंट इज हायर वेजेस, ट्रेनिंग ट्रेंड वर्कर्स डिमांड हायर पैकेजेस ऑफ सैलरी। वाई?
अगेन देखिए इसमें क्या होगा, जो वर्कर है ट्रेन होने के बाद उसकी स्किल्स एनहांस हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, एक हायर पैकेज की डिमांड कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से। क्लियर है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी, रिड्यूस द एक्सीडेंट बाय द वे ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, स्किल्स के जरिए क्या हो जाता है, वो पर्सन ट्रेंड हो जाता है, तो दे ऑल्सो नो द यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 4, जॉब सेटिस्फेक्शन, इट इंक्रीज बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अप्रोच। जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है उस पर्सन का कैसे इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बाय द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक? नोट करिए इसको।